हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे नैन क्लास में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो लैटरल एंट्री में बायो के क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। 2019 में जो लैटरल एंट्री में क्वेश्चन आया है बायो का, वो देखते हैं और ये पता करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी के जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 84 नंबर से, उस क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन में ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैच द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड द करेक्ट स्टेट इन विच दे आर प्रैक्टिस्ड। मतलब समझ रहे हैं कि जल संचरण प्रणाली को सही राज्यों के साथ जोड़िए जिसमें उसका अभ्यास किया जाता है। बेटा देखो, यहाँ पे समझना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ आपको याद करने से नहीं होगा। मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, जो बरसात की बूंदें होती है ना, उसको जमा किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में जो बरसात की बूंदें होती है, बरसात के पानी होते हैं, वो अलग अलग नाम से जमा किया जाता है। आपको याद होगा बिहार में क्या बोलते हैं हम लोग, आहरा बोलते हैं। झारखंड में भी आहरा बोलते हैं, उसी तरह से अलग अलग राज्य में बोलते हैं। राजस्थान में उसका अलग नाम होता है, कोई टैंक बोलता है, कोई खादिन बोलता है। महाराष्ट्र में ताल तलैया वगैरह बोलता है, बिहार में अहरा बोलता है, एमपी में कुल्लू बोलता है। अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग नाम है, और ये तब आपको पता चलेगा जब आप डिटेल इसका पढ़िएगा। तो देखिए हम लोग यहां पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए खादिन्स। तो खादिन्स का क्या होगा, खादिन्स कहां पर होता है, तो राजस्थान में खादिन्स बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है पाइंस। पाइंस किसको बोला, बिहार में जो है उस जो जहां पे पानी जमा करता है उसको पाइंस बोला जाता है। फिर उसी तरह से बूंदीज है, तो बूंदीज कहां पर बोला जाता है, तो बूंदीज आपका बोला जाता है एमपी में, यूपी और एमपी दोनों में बोला जाता है। तो इस तरह से हम जिसका आंसर यदि देखते हैं 84 का, तो वो आंसर हमारा सही आता है ए, ठीक है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है उसको देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी अनुवांशिक बहाव का निर्णायक उदाहरण क्या है। ऑप्शन हम लोग इसको देखते हैं कि सर्वाइवल ऑफ ग्रीन बीटल्स ओवर रेड बीटल्स, दूसरा कहता है सर्वाइवल ऑफ ब्लू बीटल्स इन एलिफेंट्स स्टम्प्स, और तीसरा है रिडक्शन ऑफ व्हाइट इन बीटल ड्यू टू फूड सिक्योरिटी, और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ बीटल्स ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। देखिए आप जब तक इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 30 सेकंड में हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है हेरिडिटी इन इवोल्यूशन चैप्टर से, क्लास 10th के चैप्टर से है। इसमें कहता है कि जो जनरेशन होता है, इसमें जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि इसमें तीन तरह की ब्रिंग होती हैं, बीटल्स होते हैं। एक रेड होती हैं, एक ब्लू होती हैं और एक ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब रेड और ग्रीन जो बीटल्स होती हैं वो जब जंगल में ग्रो करती है दोनों दोनों साथ में, तो जो क्राव होते हैं, तो क्राव क्या करते हैं, रेड बीटल्स को खा जाते हैं और ग्रीन ग्रो कर जाता है। ठीक उसी तरह से अब क्या होता है, ब्लू और रेड ग्रीन्स आती है और उसमें क्या होता है, एक हाथी आता है और हाथी क्या करता है कि अचानक उसका पैर उस पर पड़ जाता है और एक कलर का जो बीटल्स है वो खत्म हो जाती है और दूसरे कलर का ग्रो कर जाती है। तो यहां पे देखिए दो बात समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, क्राव और एलिफेंट दो की बात है, यानी एक क्राव एक रंग के को खा जाती है, दूसरा रंग ग्रो कर जाता है, और एक एलिफेंट है जो उसके पैर से एक रंग का वो दब जाता है और दूसरा रंग जो बच जाता है वो ग्रो कर जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधी है कि यहां पे एलिफेंट की बात दिया हुआ है, तो एलिफेंट की जो बात दिया हुआ है उसमें ऑप्शन क्या है आपका, बी है, यानी हाथियों के भगदड़ में नीले भृंगों का उत्तरजीविता, आनी। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो गया। देखिए इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 86 जो आपके स्क्रीन में है। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन, बेटा इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला देखिए, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इनहेरिट देयर एक्स क्रोमोसोम इन फ्रॉम मदर, कहता है लड़कों और लड़कियों को मां से एक्स क्रोमोसोम विरासत से मिला। चलो ये तो सही है। A child that inherited X chromosome from its father become a boy, कहता है कि एक बच्चा जो अपने पिता से X chromosome प्राप्त करता है वह लड़का बन जाता है। बिल्कुल ये गलत है। तो पहले इसको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा एक मिनट में आप समझ लीजिए। तो समझिए, देखिए मान लीजिए कि ये माता है MOTHER और ये पिता है FATHER फादर, ठीक है। ये माता है और ये पिता है। तो अब यहां पर देखिए थोड़ा सा स्क्रीन में, ये है मदर और ये है फादर।
तो मदर से जब भी क्रोमोसोम आता है तो एक्स और एक्स आता है, और फादर से जब भी क्रोमोसोम आता है तो एक्स और वाई आता है, एक्स और वाई आता है, ध्यान से समझिएगा। तो यदि वो कह रहा है कि माता से एक्स लेता है और पिता से भी यदि एक्स लेता है तो वो कभी भी लड़का नहीं बन सकता है, वो जब भी बनेगा तो वो लड़की भी बनेगी। तो लड़का कब बनेगा, जब वो माँ से एक्स लेगा और पिताजी से वाई लेगा, तब जाके वो लड़का बनेगा। अब देखिए आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो उसका एक्स है, लड़कों और लड़कियों में माँ से एक्स क्रोमोसोम विरासत में मिला है तो सही है, यानी ए सही है, और बी वो जो कहता है कि पिता से एक्स क्रोमोसोम लेके बन गया वो गलत है, यानी ए सही है और बी गलत है। तो 86 का जो आपका आंसर हो गया वो हो गया सी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं 87 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 87 क्वेश्चन को हम देखते हैं, 87 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो 87 कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन अ फूड चेन व्हेन इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल। देखो बेटा ये जब आप पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट में आपको समझाना पड़ेगा, ये मैथमेटिकल है। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे तो उस समय ध्यान रखिएगा, उस समय 10% लॉ आपको सर पढ़ाए होंगे। तो ये 10% लॉ है कि जब टॉपिक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल में, तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। कितना परसेंट होता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो सिंपल सा इसका इसका जवाब आप दे सकते हैं, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आप याद रखिएगा, वैसे इसका मैथमेटिकली है, जब हम पढ़ाएंगे तो और ये अच्छे से डिटेल से आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं 88 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द ऑर्गेनिजम्स यूज द पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी टू फुलफिल इज एनर्जी नीडेड, यानी यह जीव अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परजीविता पोषक कार्यनीति का उपयोग करता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, तो पहले न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने पढ़ा चुका है, एक क्वेश्चन देखिए जो मैंने पढ़ाया वो अभी आपका एसी में आ गया है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ परजीवी कौन है, तो अमर बेल वो परजीवी है, प्लांट परजीवी है ना, कसकुटा, कुकुरमुता ये परजीवी नहीं है, अमीबा ये परजीवी नहीं है, शेर ये परजीवी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। कहता है दिस इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस। देखो बेटा फिश में ब्लड का सर्कुलेशन आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो फिश है ये फिश में टू चेंबर हार्ट होता है, ठीक है, और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो जब टू चेंबर हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन होता है तो अब इसका सर्कुलेशन क्या होगा, यानी जो हार्ट है ये हार्ट है, हार्ट से कहां जाएगा, हार्ट से सीधा जाएगा गिल्स में। क्यों जाएगा, क्योंकि ये गिल्स में जाने के बाद वहां पे ऑक्सीजन को रीजनरेट करेगा, और ऑक्सीजन को रीजनरेट करने के बाद फिर कहां आएगा, बॉडी में आएगा, और बॉडी के बाद फिर से कहां चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 89 का जो ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा बी। क्या हो गया, 89 का हो गया बी, हार्ट से गिल और बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से फिर कहां चला गया, हार्ट में चला गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर क्या है, 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर है, उसको आप देखिए, ठीक है, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रेफरेंसेस टू रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो यहां कहता है कि पौधों में श्वसन के संदर्भ में संबंधित गलत कथन को चुनिए। तो देखिए ऑप्शन आप देखिएगा तभी इसको समझ में आएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि हिंदी में ही आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाते हैं, गैसीय विनिमय जड़ों तनों पत्तों और आंतरिक कोशिकाओं में होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू रूट स्टेम लीफ एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। बिल्कुल सही है, देखिए प्लांट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो प्लांट के सभी पार्ट में होता है, ठीक है, इसको आप नेक्स्ट क्लास जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं करेंगे रेस्पिरेशन, उसमें आप देखेंगे वो सभी में होता है, तो ये तो सही है। दूसरा कहता है ड्यूरिंग डे देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कहता है दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि दिन के समय में तो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी सही है। तीसरा कहता है ड्यूरिंग नाइट CO2 रिलीज इज द मेजर एक्टिविटी, ये भी बात सही कहता है,
कि रात में वो फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, जब नहीं करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और टी है बोथ O2 एंड CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग डे, ये दिन में कहता है दोनों रिलीज करता है, ऐसा तो नहीं होता है सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इसका गलत कथन हमारा जो हो गया वो 87 का आंसर 90 जो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर हो गया वो हो गया डी हो गया। क्लियर हुआ? अब हम बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं 91 क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से आप देखिए। तो 91 क्वेश्चन कहता है दिस इज द ऑर्गेनिजम्स व्हिच अंडरगोज रीजेनरेशन एंड बर्डिंग इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स जेनरेशन एसेक्सुअली। यहां पर रिप्रोडक्शन चैप्टर से ये क्वेश्चन है बेटा। तो इस चैप्टर में कहता है कि मतलब यह वह जीव है जो अपनी पीढ़ी को अलैंगिक रूप से जारी रखने के लिए बडिंग या नवोद्भित करता है, पुनर्जनन या बडिंग करता है। देखिए यहां ऑप्शन को आप देखिएगा, प्लेनेरिया ये बिल्कुल रीजेनरेशन करता है लेकिन बडिंग नहीं करता है। तो यहां पे ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, यानी प्लेनेरिया रीजेनरेशन करता है, जैसे कटा हुआ पार्ट वो फिर से नया बन जाता है लेकिन वो बडिंग नहीं करता है। दूसरा है राइजोपस, इसमें नहीं होता है। हाइड्रा ही एक ऐसा है जिसमें बडिंग होता है और वो कट के एक नया हाइड्रा बनता है। तो इसका आंसर आपका हो गया सी। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा मैंने ये जो क्वेश्चन आपको बताया, आप ध्यान देंगे 2018 का भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है। तो आप यदि ये समझते हैं कि हम 100, 200, 1000, 500 क्वेश्चन रट ले बायोलॉजी, तो आपका पूरा 16 का 16 क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते हैं। और मैं ये आपको दावे के साथ कहते हैं मेरे क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और हम आपको गारंटी दे सकते हैं एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और बस खेलते कूदते कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ भी याद नहीं करना है बेटा। इसलिए जितना जल्दी हो जोड़िए, मैं अब अगला वीडियो अपने ऐप में लोड करने वाला हूं जो रेस्पिरेशन है। पिछला वीडियो मैंने जो लोड किया वो देखिए 2019 में उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में भी उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आएगा, तो आएगा, श्योर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।